हम आए थे जय भाई से, हम निकल गए हैं बाहर, तो जाते जाते आप उसको नज़ारा दिखाएंगे। और ये आता है चंद्रपुर और बुगुस रोड के बीच में, यहीं से साइकिल राइडिंग के करके गया था एक बार। तो वर्धा और पैनगंगा नद में हम आज कैंपिंग करने वाले हैं। तो अभी हम प्लेस दिखा रहे हैं आपसे ऊपर से, तो ऐसा ये कुछ व्यू है। तो हम आए हैं चंद्रपुर जिले में, जो लेक है वड़ा जुगाड़ पे, जो वर्धा और पैनगंगा का संगम है यहाँ पे। तो हम आए थे जयेश भाई के साथ, जो उनका चैनल है, यूट्यूब चैनल है उनका, जो सफ़र ब्लॉग करके, तो उनके साथ आए हैं हम आज। तो चलो चलते हैं, ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल विदेश बनी जिसमें आपका स्वागत है। तो आपको कुछ नज़ारा भी दिखाते हैं। वड़ा जुगाड़ एक देवस्थान है ये, तो हम यहाँ बीच में करेंगे जा कैंपिंग। और ये देखो अभी बहुत टाइम हो गया, इवनिंग का टाइम है ये। तो राहुल भाई चावल धो रहे हैं, तो चावल धोने के बाद हम जल्दी जल्दी पकाने लेते हैं क्योंकि भूत जोर से लगी है। तो कुछ हमने खाने के लिए लाए हैं जो अभी जयेश भाई काफ़ी बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ खाएंगे थोड़ा। और बाद में तो वैसे ही अभी हमने अंडे लाए हैं, तो अंडे की सब्ज़ी बनाएंगे। ये देखो जय भाई की तैयारी चालू है, तो चावल राहुल भाई ने धोया है। तो पानी हम तो नदी का यूज़ करने वाले, और कुछ हमने पानी जो पीने के लिए वो लाया था। वड़ा जुगाड़ में जब आए तो हम पहले मंदिर के उस पार थे, तो हम नद क्रॉस करके आए, तो नदी में कम्बर से ऊपर पानी था, तो पानी का भाव भी बहुत तेज था। तो हम आए अभी, तो हमें एक चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि पानी थोड़ा नदी के ऊपर बढ़ गया है। तो फिलहाल हम अभी अपना स्टोव चालू करते हैं और जल्दी जल्दी अपने अंडे उगालते हैं। और एक इसमें अंडे उगा लेंगे और एक इसमें अपना चावल। तो जय भाई ने अंडे डाल दिए अभी, तो दूसरा स्टोव चालू कर रहे जल्दी जल्दी। हम जब भी कैंपिंग करें तो अपना सामान जो हो पूरा कैरी करें, क्योंकि सोच समझ के तेल से सब लेके। तो कभी कभी हमने बहुत से आते समय सामान घर पे छोड़ दिया है, तो अच्छा हुआ जयेश भाई ने कुछ सामान लाया था। तो आज का जो खर्च है पूरा जयेश भाई ने किया है, और ये हमारा एक चीज़ रह गया, तो अब जाने दो। और ये देखो हमारा सेटअप, ये ऐसा लगा हुआ है, हमारा लाइट है और ट्राइपॉड है, जो बैटरी बैंक के साथ हमारी लाइट लगाई थी। और अभी चावल डाल दिया और पानी डाल रहे राहुल भाई। तो ठीक है, उस तरफ मंदिर है और ये नद। तो हमारा चावल और अंडे उगालना चालू है, तो हमें बहुत थोड़ी सी भूख लगी है, तो हम थोड़ा नाश्ता करते हैं। तो जयेश भाई ने ब्रेड लाए थे, तो ब्रेड खा रहे हैं। और अभी हमने कॉफ़ी की है, तो थोड़ा कॉफ़ी के साथ आनंद लेते हैं हम। और देखो जयेश भाई को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, देखो। और हमारा सेटअप देखो, ये हमारा कैम्प तो ऑलरेडी लग चुका है। और ये लाइट है जो ट्राइपॉड और यूएसबी पे लगती है लाइट, तो लगा दी है। तो ये देखो नद, ये वर्धा नद है जो वड़ा जुगाड़ के बाजू में आती है। और ये जो है ये इस साइड में ये पैनगंगा नद है। तो ये देखो अभी रात का टाइम है, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। और सबसे बढ़िया बात है, बहुत ज़ोर से लग रही है हमें, और हम फिर भी मज़ा ले रहे हैं। तो फाइनल सब्जी हो गई हमारी, पक गई सब्जी। ये देखो हमारी कैंपिंग, अब सब पूरा सेटअप तो लगा ही चुका है, और लाइट और जय भाई की तैयारी कर रहे। और ये तो फाइनल हमारा टेंट तो सेट किया हुआ है ऑलरेडी, और हमारा जो सामान है पूरा बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ पे देखो। और आधा सामान है अपने जय भाई का, जो इन्होंने
सामान लाया था वो उधर पड़ा हुआ है, कुछ कुछ इधर पड़ा हुआ है। और अभी जय भाई जो बॉम फायर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी ठंड पड़ने वाली है। और एक तो यहाँ पे दो नदी का संगम होता है, एक आती है पैनगंगा और एक आती है बेमड़ा और वरदानस, जो वो पहले से कनेक्ट है तो वो तो आपको पता ही होगा। तो अभी हमारा खाना ऑलरेडी पक चुका है, चावल ये सब बनाए हैं। और आपको और कुछ सुबह नज़ारा दिखाएंगे, जो अभी पानी पानी का नज़ारा, और सुबह जल्दी भी उठने का है। और हाँ, और अभी जय भाई, जय भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें। हाँ ओ, तो जयेश भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है। जयेश भाई यूट्यूब चैनल बताओ ना आपका। मेरा यूट्यूब चैनल है सफर व्लॉग्स करके। तो मैं अभी फिलहाल तो मैं चंदूपुर एरिया कवर कर रहा हूँ, और आने वाले दिनों में मेरा प्लान है कि मैं और बाकी जगह एक्सप्लोर करूँ, जैसे बहुत सारी जगह लद्दाख वगैरह हो गए। तो मैं चाहता हूँ, तो अगर आप चाहते हो कि मेरे सफर में घूमना चाहते हो तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हो सफर व्लॉग, आपको मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो हमारे चैनल में और हमारे सफर मेरे सफर में आप देख सकते हो। सफर व्लॉग जो है ये अपने जयेश भाई का है, ये चंद्रगढ़ से ही बिलोंग करते हैं। तो हम अभी अभी इन्होंने काफ़ी अच्छे ब्लॉग बनाए, जैसे चंद्रपुर में जो ये ब्लैक डायमंड सिटी है, काफ़ी अच्छे ताड़ोबा हो गए, काफ़ी फेमस प्लेस है। तो इन्होंने आज तक बहुत अच्छे ब्लॉग बनाए, तो आप प्लीज़ वो जाके देखो एक बार, भला ही आपको पसंद आए ना पसंद, तो एक बार ज़रूर देखो, मेरी की राय मानो। वैसे तो मेरे भी कुछ साइकिल राइडिंग के ब्लॉग है, तो मैं अभी काफ़ी अच्छे प्लेस डालता रहता हूँ। तो देखो हमारा बोन फायर चालू हो गया, और अभी खाने की तैयारी करते हैं हम। और अभी देखो तो हमने क्या क्या लाए थे साथ में, ये देखो, ये तो सब जयेश भाई का पूरा टोटल जो एसेसरीज है हमारी, जैसे ये अपना यूज वाला जो बल है वो, उनके जो ट्राइपॉड है, बाकी के बहुत से एसेसरीज है। तो जयेश भाई के मैंने आज यूज़ किए टोटल। तो चलो आपको कुछ खाने का भी नज़ारा दिखाते हैं, और कल सुबह उठ के आपको वो भी नज़ारा दिखाएंगे। वो भी ठंड पड़ने बहुत ठंड चालू हो गई है, तो चलो चलते हैं। ये देखो राहुल भाई, राहुल भाई टेंशन में हो गया क्या? बस मज़ा ले रहे। ये देखो हमारी दो सिलेंडर है, और ये हमारी एक की भाजी, और ये देखो, और ये देखो, खाना खाती है कोई भी, ये देखो हमारा खाना खा, ये है कैरी बैग। और एक कैंपिंग करने के फायदे और मजे थोड़े अलग होते हैं, तो हमारा फुल एडवेंचर का भी, और अपने जैन भाई के साथ, और राहुल भाई भी काफ़ी आनंद उठा रहे इसका, बॉम फायर भी चालू है, तो फटाफट खाना खाते हैं और खाने का आनंद उठाती है। और आज की फीलिंग है ज़रा वो अलग ही है, क्योंकि हमने जो हमारे जो कुछ बर्तन है वो लाए नहीं थे, तो इसकी वजह से एडजस्टमेंट चालू है। तो कुछ बर्तन हमने मैंने लाए थे, और जयेश भाई के कुछ बर्तन है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट चालू है। तो पानी के दो बॉटल लाए थे, तो वो भी एडजस्टमेंट चालू है। अभी हमारे पास जो दो चूल्हे थे, हमारे स्टोव है जो कैंडल स्टोव, वो लाए थे। तो चलो फटाफट खाना खाते और सोने की तैयारी करते, और काफ़ी होटल लकड़ी मकड़ी ढूंढते, और बॉन फायर करते, और थोड़ा सावधानी से भी काम करना पड़ता है, क्योंकि हमने थोड़ा जाते जो लकड़ी है ये हमने चूल्हे लाई है।
तो चलो इसी के साथ जेज भाई बिस्मिल्लाह करते देखो मॉर्निंग का व्यू पूरे ऊपर से बादल और पूरा कोहरा पड़ा हुआ है कुछ दिखाई नहीं देता। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, और अभी हम सो के उठे हैं और रात में हमारा सी हुआ था। अभी राहुल भाई हमारी चादर वादर लेके लड़ाई कर ली और ये हमारा टेंट और पीछे देख रहे खाने का सामान खाने पीने का रहने का। और वापस हुए थे अपने जय भाई और ये देखो आपको सुबह का कुछ नज़ारा दिखा दी। तो अब सनराइज होने वाला है तो हम टाइम लैप्स लगाते हैं। तो अपने सूर्य देव दा का आगमन होने वाला है अभी, तो जरा तो अभी तक हमने ब्रश किया है तो थोड़ा मुँह पे पानी मारते और थोड़ा फ्रेश होते है और हमें उसके सामान लेने जाना है देश भाई के साथ। तो ब्लॉग को यही एंड करते हैं और अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले इसमें डालने वाले, तो देखिए।